नमस्ते, जय श्री राम। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और मैं नए वीडियो के साथ में प्रस्तुत हुई हूँ। और ये जो आज का वीडियो है, ये हमारा है मंडी परिषद के परिणाम के लिए, जिसका सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कि ये रिज़ल्ट जो है कब आएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबको बता देती हूँ कि मेरे चैनल में परीक्षा से संबंधित सारी सूचनाएँ आपको मिलती हैं, इसलिए आप सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का आइकन है उसको दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो की प्रत्येक नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहे। तो चलिए हम बात करते हैं मंडी परिषद के परिणाम की। तो हम आपको ये बता दें सबसे पहले तो कि इस समय आयोग ने, और सबसे पहले तो सरकार ने जो है ये तेज़ी दिखाई है, ये दबाव बनाया है, तो आयोग भी जो है अभी काम कर रहा है। अभी बहुत ज़्यादा डिले हो गया रिजल्ट को लेकर के, ठीक है। तो ऐसा बोला जा रहा है कि 10 से 15 नवंबर के बीच में, जी हाँ, 10 से 15 नवंबर के बीच में जो है मंडी परिषद का परिणाम आने की जो है पूरी जो है 99% जो है गारंटी है कि वो आएगा, ठीक है। अभी जो न्यूज आ रही है निकल के अंदर से, वो ये है कि 4 रिजल्ट जो है वो बिल्कुल तैयार है, ठीक है। एक आपको होम्योपैथी फार्मासिस्ट वाला है, दूसरा आपका कनिष्ठ सहायक वाला है, तीसरा कंप्यूटर ऑपरेटर, और चौथा है मंडी परिषद। 4 रिजल्ट जो है तैयार हैं, अपलोड होने हैं, ये अब आयोग के अंदर का काम है। तो ये जो है मंडी परिषद का जो है, ये ऐसा निकल के आ रहा है कि ये जो है आपके नवंबर के सेकेंड वीक तक ये लोग जो है डाल देंगे, ठीक है। मतलब 10 से 15 के बीच में कभी भी, ये एकदम बिल्कुल ही 100% लग रहा है कि डाल देंगे। अब देखिए, बहुत ही अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ और चीज़ हो जाए, तो वो भले 15 से आगे बढ़ सकता है, वो 3rd या 4th वीक में चला जा सकता है, लेकिन ये 99.99% है कि ये रिजल्ट जो है आपका इसी बीच में आएगा, 10 से 15 के बीच में आएगा, समझ रहे हैं। तो बाकी के जो 3 रिजल्ट हैं वो भी आने ही वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में बात शेयर करने के लिए वीडियो को जो है शेयर करिएगा, ठीक है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।